राजधानी दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के बिंदापुर मटियाला रोड पर, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने अपने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और इलाके की जनता के साथ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें मुकेश शर्मा का साथ देने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार, जिन्होंने एक तरफ जहां मुकेश शर्मा के समर्थन में उनके तारीफों के पुल बांधकर जनता को लुभाने की कोशिश की और कांग्रेस का वोट बैंक बनाते नजर आए, वहीं मुकेश शर्मा ने आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल को जोरदार झटका देते हुए उन्हीं के नक्शे कदमों और पैंतरे आजमाते हुए चुनाव के लिए जनता से ही चंदा मांगने की शुरुआत का शुभ आरंभ किया। और कांग्रेस पार्टी में पहली बार जनता द्वारा दिए जाने वाले चंदे से आने वाले चुनाव में अपना भाग्य आजमाने और लोगों का आशीर्वाद पाने की पहल की। निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से धमाकेदार वापसी दिल्ली में करने जा रही है और हम सरकार बनाने के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। आज इस आक्रोश रैली में आपने देखा जिस तरीके से हजारों लोग आए हैं, ये सीधा सीधा इसका नाम ही आक्रोश रैली है कि भाजपा और आप पार्टी के खिलाफ आक्रोश रैली। लोग अपनी इच्छा से आए, कोई बसों में टेम्पो में मरकर नहीं लाया गया है, नहीं चलने दिया जाएगा। ये मुकेश शर्मा आपको ऐलान करने जा रहा है, फूड कोर्ट के मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाकर बेचना चाहते हैं। वो मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाने वालों, जो तुमसे मेरा बिगड़े बिगाड़ लो, लेकिन मुकेश शर्मा के कदम भारत बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के किसी नेता ने दूसरी पार्टियों को कॉपी कर अपने भाग्य को आजमाया हो और उसी पार्टी का पैतरा उसी पार्टी पर आजमाया हो। पर अब देखना यह है कि उत्तम नगर विधानसभा की जनता अपने पूर्व विधायक को कितना समर्थन करती है और ये समर्थन किस कदर वोट बनकर कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करती है, इसका फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव में ही हो सकेगा। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।